हम निर्वाचित सांसद सीपीआईएम के राजा राजा राम सिंह जी हैं, किस तरीके से देख रहे थे वो काराकाट में लड़ाई, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, एक तरफ पवन सिंह, तीसरे में आपका? पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से काराकाट की जनता को धन्यवाद और शुभकामना कि उन्होंने भाकपा माले को हमें चुना और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाया, इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद, शुभकामना, मेरा प्रणाम। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो वहाँ देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, लाभकारी बने, देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले, देश में संविधान के समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा हो, इन प्रश्नों पर एक बड़ी गोलबंदी दिखी है। समाज अब नफरत और हिंसा से उब चुका है, वो शांति और अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, इसलिए व्यापक समाज की एक बड़ी एकजुटता हमारे पक्ष में दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाने के बाद अब लोकसभा में आपको मौका मिला, लोकसभा में किस तरीके से जनता के बात रखे, क्योंकि अब एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब तो आपको लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे कई राष्ट्रीय अहम सवाल देश के सामने आ चुके हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा जो है कुछ निजी पूंजीपतियों को केंद्र करके चल रही है और उनके लाभालाभ को ध्यान दिया जा रहा है, उनके लालच को ध्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए अब राष्ट्रीय मसलों में राष्ट्रीय हस्तक्षेप ही हो सकता है, ये कोई स्थानीय मामला तो है नहीं, पूरी देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को बदल दिया गया है, सामाजिक ताने बाने को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है, मॉब लिंचिंग की घटनाएँ घटी हैं, तो इसलिए ढेर सारे राष्ट्रीय प्रश्न हैं, तो पार्लियामेंट जाहिर सी बात है राष्ट्रीय नीति निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। क्षेत्र का क्या क्या मुद्दे होंगे? क्षेत्रीय मुद्दों में सबसे बड़ा सवाल है सोन नहरों का। सोन नहरें 8 जिलों की जीवन रेखा हैं और बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 150 बरस हो चुका इन नहरों का, अब वे काफ़ी जर्जर हो रही हैं, नीचे के इलाके तक पानी पहुँचता नहीं, तो दो मांगें इससे संबंधित हैं। एक मांग है कि इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण हो, जिसको कदवन डैम कहा जाता था, समाजवादी नेता राम अवधेश बाबू ने अपने ज़माने में उस पर आंदोलन छेड़ा था, अभी भी ये मांग किसानों की लंबित है, इसे शीघ्र पूरा किया जाए। और दूसरा सवाल है सोन नहरों का आज के सर्वे के आधार पर आधुनिकीकरण हो और निचले इलाके तक पानी पहुंचाने की गारंटी है। अच्छा, लगातार आप लोग सदन में हो, बिहार सदन में या बाहर में हंगामा करते थे तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, अभी एनडीए की सरकार बनी है तो नीतीश कुमार की भूमिका उसमें सबसे ज़्यादा, नीतीश कुमार की भूमिका और चंद्रबाबू नायडू को, अब क्या क्या स्पेशल स्टेटस के लिए भी लोकसभा में भी इस तरीके का आवाज़ बुलंद करेंगे? मतलब बिहार एक पिछड़ा राज्य है और इसे और ज़्यादा आर्थिक मदद की सहायता की ज़रूरत है देश के स्तर पर, ये मांगे हम इंडिया गठबंधन का पूरा जो 10 जीते हैं उनके साथ विचार करके कैसे इस पर मूव लें, हम बात करेंगे ज़रूर। लेकिन उससे बड़ा सवाल है अभी नीतीश जी के सामने कि जो जनादेश आया है इस बार मोदी जी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, उसमें वो इंडिया गठबंधन का साथ दें। वो पहले भी कहते रहे हैं कि कम्युनलिज्म, क्रिमिनलाइजेशन और करप्शन से वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अपने वादे पर वो अमल करें और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में मदद करें। ये थे राजा राम कुशवाहा जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोकसभा में हमको जनता ने प्रतिनिधित्व करके भेजी है, अब जनता का मुद्दा जो हम बिहार विधानसभा में उठाते थे अब हमको अब लोकसभा में उठाएंगे। न्यूज़ बैस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।